प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा धार पहुंचे। इस दौरान वे भोज समारोह में शामिल हुए। महाराजा भोज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 2 दिवसीय आयोजन में पहले दिन धार की स्थानीय बालिकाओं ने कथक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पर अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है वहां केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के 800 करोड़ के फंड में केंद्र सरकार द्वारा कटौती करने पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। ये बात सही है कि केंद्र सरकार हमारी 800 करोड़ की राशि मेरे विभाग की कटौती कर दी। उसे CRF सेंट्रल रोड फंड, उसके बाद भी इंदौर का तो एक 300-400 करोड़ का ब्रिज मंजूर कर दिया, हमारी राशि से बनाएंगे। तो भले केंद्र सरकार काटे, हमारा फंड है वो, यदि नहीं देंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट से मैं जीत के आऊँगा। मैं इसके साथ ही गाँव की कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है। अभी हमने लगभग 250 सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की मंजूर की हैं। ये मुख्य बजट आ रहा है, लगभग इतनी सड़कें हम और 250 मंजूर कर रहे हैं ताकि गाँव की कनेक्टिविटी, शहर तो ठीक है, गाँव की कनेक्टिविटी भी बढ़ना चाहिए। गाँव किसान का फसल लाना मंडियों तक, तो ये सारी बातें हैं। तो योजनाएं तो कई हैं और अधोसंरचना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार दोगला व्यवहार कर रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस से समर्थित सरकारें हैं, सारी जगह का पैसा काट रहे हैं। भेदभाव, ये संघीय शासन प्रणाली में भेदभाव नहीं होना चाहिए। संघ प्रणाली है, केंद्र और राज्य का सामंजस्य होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह शासन संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन कमलनाथ की सरकार है मध्य प्रदेश, एक मैनेजमेंट के गुरु की सरकार है, ये ना भी दे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे नए साल में और प्रदेश को। वहीं NRC और CA पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तानाशाह भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, धार।